we are going to start with the topic of averages. Now this is a very important chapter as far as your aptitude syllabus goes. So let us understand the basics. पहले हम लोग basics पढ़ते हैं Average का मतलब क्या होता है What is the meaning of average? Average का मतलब होता है कि आपके पास एक set of data है और आप उस डेटा का एवरेज निकाल रहे हो मतलब एवरेज को अगर हम डिफाइन करें तो एवरेज इज बेसिकली सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा मतलब इस पूरे डेटा का एक सेंट्रल वैल्यू मतलब अगर मान लेता हूँ मैं अगर ये दो है तीन है चार है पाँच है छः है तो अगर मैं एवरेज बोल रहा हूँ तो एवरेज का मतलब इस पूरे डेटा का कहीं पे कुछ जो बीच का सबसे वैल्यू रहेगा वो उसको एवरेज बोलते हैं सो दैट इज व एवरेज इज बेसिकली डिफाइंड एज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा अब वो है क्या वो सेंट्रल वैल्यू है क्या ये तो पता चल गया हमें कि इस पूरे डेटा का एक सेंट्रल वैल्यू रहेगा बीच में जो वैल्यू रहेगी उसे एवरेज बोलते हैं बट हाउ डू वी फाइंड दैट हाउ डू वी फाइंड दैट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सो एवरेज इज नथिंग बट एवरेज इज द अरिथमेटिक मीन

ये डेटा था इसका एवरेज निकालना है एवरेज ऑफ दिस डेटा क्या होगा इन सारे डेटा का अरिथमेटिक मीन सो एवरेज ऑफ दिस ऑल डेटा विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा एंड हाउ डू वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ए एम इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन दैट इज इक्वल्स टू टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा दैट यू हैव वॉट इज द टोटल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सो वी हैव गॉट फाइव डेटा सेट्स विद अस Divided by 5. So that comes out to be 2 plus 3, 5, 9, 14, 6, 20. 20 divided by 5 will comes out to be 4. So 4 becomes the arithmetic mean of this data and 4 is also the average. Now, in now if you see this data set, 4 is the central value, right? So 4 becomes the average. So how do you calculate average? Average is nothing but

quantities so these are what these are n quantities right the n quantities are q because it starts from 1 and goes till n so they are n quantities so we have got n quantities with us and if we have to find out the average so if you have to find out the average that will be nothing but x1 plus x2 plus x3 so on up to xn divided by

And if you see here, in terms of all this data set, 5 is the central number as well. See. So, average is nothing but the central number. So, this is how we can calculate the average. We are going to look at the properties of average. Average is clear. Average Now we know how to calculate average. And now we are going to look at the properties of average. First, property of averages the average of any set of quantities always lie between the highest and the lowest value of that given data set that you have right so what i can say is that average always lies between the highest एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ए गिवेन डेटा सेट राइट एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट इन डिटेल्स एज वेल अच्छा अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज इज ये देखो एवरेज लाइज बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ए गिवेन डेटा सेट जिसका क्या आप एवरेज निकाल रहे हो बट अगर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू सेम हो जाए सो द एवरेज विल बी इक्वल्स टू द हाईएस्ट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू द लोएस्ट वैल्यू बट इसका ही एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या मतलब इसका ही एक यू नो सब कंडीशन है कि इफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू बिकम सेम हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू सेम कब कब होंगे

तो एवरेज कैसे निकालते हैं सबको प्लस कर देना है 1 plus 3 plus 5 plus 7, by, कितने फोर प्लस फाइव सेवन सेवन प्लस फोर्टीन फोर्टीन डिवाइड बाई फोर्टीन डिवाइड बाई फोर दैट कम्स आउट टू बी थ्री पॉइंट फाइव अब देखिए ये जो थ्री पॉइंट फाइव है ये जो 3.5 है आपका इस डेटा सेट में सबसे लोएस्ट नंबर कौन है विच इज द लोएस्ट नंबर इन दिस डेटा सेट दैट इज वन एंड वॉट इज द हाईस्ट नंबर इन दिस डेटा सेट इट्स सेवन एंड थ्री पॉइंट फाइव इज लाइंग बिटवीन वन एंड सेवन थ्री पॉइंट फाइव जो है सेवन के बीच में लाइक कर रहा है सो दिस प्रूव्स योर यू नो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू स्टडी दैट इज द एवरेज लाइज बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ए गिवन डेटा सेट अब चलो अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस केस में सारे नंबर सेम है मतलब कि हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज आर सेम तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो सेम फंडा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर एंड द एवरेज कम्स आउट टू बी थ्री सो इफ यू सी हेयर योर एवरेज इज थ्री एंड दैट इज सेम एज दाइएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इफ द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज बिकम सेम देन द एवरेज इज इक्वल्स टू हाइएस्ट नंबर इज इक्वल्स टू लोएस्ट नंबर ये प्रॉपर्टी यहां से प्रूफ हो गई हमारी तो यहां से हम बोल सकते हैं पहली प्रॉपर्टी दैट इज थ्री पॉइंट फाइव एवरेज इज लाइंग बिटवीन द हाएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर और इस केस में जो है थ्री जो है दैट इज इक्व टू दाइएस्ट एंड दैट इज इक्वल टू द लोएस्ट तो अगर हम दोनों को क्लब कर दें तो ऐसा बोल सकते हैं हम एवरेज जो रहता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर रहेगा या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर रहेगा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लोएस्ट नंबर रहेगा राइट अगर नंबर्स इक्वल नहीं है हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर इक्वल नहीं है फिर तो इक्वालिटी नहीं आएगी राइट इट विल ऑलवेज बी बिटवीन बिटवीन का मतलब क्या होता है कि जो दो नंबर्स एक्सट्रीम्स हैं उनके बीच में इट विल नॉट बी इक्वल टू तो उनके बीच में रहेगा ये बट अगर लोएस्ट नंबर और हाइएस्ट नंबर सेम हो गए तो इट विल गेट इक्वल टू द द एंड लो लोएस्ट नंबर बिकॉज बोथ बोथ ऑफ देम आर सेम सो इफ क्लब प्रॉपर्टीज आई कैन दैट एवरेज ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा सेट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू द दाइस्ट नंबर एंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द लोएस्ट नंबर सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड नाउ लेटे टेक एन एग्जाम्पल Mahesh has got 30 cows. Shyam paas 25 cows. Hai. And John has got 5 cows. So, what is the average number of cows that they have? If, if they are asking you, what is the average number of उिडी काउस दे है इफ दिस इज योर क्वेश्चन कि महेश के पास थर्टी काउस हैं, श्याम के पास पच्चीस काउस हैं, और जॉन के पास फाइव हैं, तो उनके पास एवरेज नंबर कितना है तो दिस इज सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ एवरेज अगर मैं महेश को एम से डिनोट करू श्याम को एस से डिनोट करूं जॉन को जे से डिनोट करूं तो महेश के पास थर्टी काउस है

Right. So this is how you can calculate the average. These types of average calculate can be. Now we are going to talk about the third property. The third property is, if each quantity inside the data set that you have is increased or decreased by a certain quantity, let's say it's k, then the new average is also increased or decreased by k. So, if each quantity In the data set that we have is increased or decreased by a certain quantity, let's suppose K. Then the average will also increase or decrease by K. Now we'll see an example to understand this. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर जो भी आपके पास क्वांटिटी थे डेटा सेट में अगर आप उसको के से इंक्रीज या डिक्रीज करते हो सारे क्वांटिटीज को तो आपका जो एवरेज भी है वो भी के से इंक्रीज या डिक्रीज वो हो जाएगा विल जस्ट टेक एन एग्जांपल हमारे पास चार क्वांटिटीज है थ्री टू फाइव एंड सिक्स और दूसरा एग्जाम्पल इस साइड में ले लेते हैं हमारे पास चार क्वांटिटीज है फाइव फोर सेवन एंड एट ठीक है तो अगर हम इस क्वांटिटी का एवरेज निकालें ये सारे सेट ऑफ क्वांटिटीज का एवरेज निकाले अगर हम इफ यू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस सेट ऑफ सो एवरेज विल बी इक्वल्स टू प्लस 2 प्लस डिवाइड बाई फोर बिकॉज 4 इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज सो दैट कम्स आउट टू बी थ्री प्लस 16 फाइव 4 दैट इज 4 राइट right. अच्छा तो इसका एवरेज 4 हुआ अब देखो अब इन द सेकंड केस व्हाट वी हैव डन दिस इज द ओरिजिनल केस लेट अस सपोज ऑरिजिनल ओरिजिनल केस है ये आपका केस 1 है केस 1 में हमने क्या किया सारी क्वांटिटीज को, को दो दो से इंक्रीज कर दिया जैसे ये तीन पांच बन गया है दो चार बन गया है पांच सात बन गया है छ आठ बन गया है सारी क्वांटिटीज को, को हमने दो दो से इंक्रीज कर दिया सो so, आइडियली जो होगा एज पर दिस प्रॉपर्टी एवरेज को भी दो से इंक्रीज करना चाहिए अब इसका एवरेज निकालते हैं हम लोग इफ वी फाइंड आउट एवरेज इट वी फाइव प्लस फोर प्लस सेवन प्लस एट डिवाइड बाई फोर सो दैट कम्स आउट टू बी नाइन प्लस सेवन दैट इज सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फोर इट कम्स आउट टू बी सिक्स तो आप देखो एवरेज भी जो है वो भी दो से आपका इंक्रीज हो गया क्यों आपने सारे क्वांटिटीज को दो दो से इंक्रीज किया इसीलिए अब जो केस टू है केस टू में आप कि आपकी जो क्वान्टिटीज है वो हो गया है वन जीरो थ्री फोर वन जीरो थ्री फोर में देखो हमने क्या किया है कि सारे क्वांटिटीज को हमने दो दो से डिक्रीज कर दिया है थ्री वन बन गया है टू जीरो बन गया है फाइव थ्री हो गया है सिक्स फोर बन गया है तुमने तो सारे क्वांटिटीज को अब दो दो से डिक्रीज कर दिया है तो अगर हम इस केस में एवरेज निकालें अब तो वन प्लस जीरो प्लस थ्री प्लस फोर डिवाइड बाई फोर एंड आइडियली क्योंकि हमने दो दो से सारे क्वांटिटीज को डिक्रीज किया था तो एवरेज को भी दो से डिक्रीज होना चाहिए था वही यहां पे हुआ है दिस फोर हैज बिकम टू सो इट हैज हैजिक्रीज बाई टू सो दिस दीज टू केसेज प्रूव दैट यू नो प्रॉपर्टी दैट वी स्टडीड कि अगर हर एक क्वांटिटी को हम एक पर्टिकुलर के क्वांटिटी से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं देन द एवरेज विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी के नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी है द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट इफ ईच क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय ए सर्टेन क्वांटिटी लेट सपोज के देन द न्यू एवरेज विल बी द ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाइड बाय के इफ ईच क्वांटिटी इज Multiplied by a quantity say k, then new average will be equals to old average multiplied by k. Right? So we can see it with the help of an example as well. के तौर पे आप ले लो फाइव टेन फिफ्टीन टेन है आपके पास और दूसरे केस में आपके पास फिफ्टीन थर्टी थर्टी है अब देखो अब हमने बेसिकली क्या किया है हर एक क्वांटिटी को तीन तीन से मल्टीप्लाई कर दिया है देखो फाइव हैज बिकम फिफ्टीन टेन एज बिकम थर्टी फिफ्टीन बिकम फोर्टी फाइव टेन एज बीकम थर्टी Now, अगर मैं इस सेट ऑफ क्वांटिटीज का एवरेज निकालू इफ आई फाइंड आउट एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटी देन इट वाइव प्लस एंड देट कम्स आउट टू बी टेन अगर मैं इनका एवरेज निकालू प्लस फोर्टी फाइव प्लस थर्टी डिवाइड बाई फोर एंड देट कम्स आउट टू बी थर्टी

बट इस केस में आप ये कर डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो न्यू एवरेज है वो ओल्ड एवरेज का से ओल्ड एवरेज को डिवाइड करके के आ जाएगा आपका एंड वी कैन सी इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एज वेल सो इन द फर्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू कंसीडर फाइव टेन फिफ्टीन एंड टेन और दूसरे में वन टू थ्री एंड टू तो अगर

And this is how we can prove it with the help of an example as well. So next, we are going to study another property of averages. And this is a very interesting property. Very interesting property. Uh, let us see it. And we'll also look at it from the perspective of an example as well. So, this is the sixth property. And it says that surplus over average is equal to deficit below average. Surplus above average. ज इक्वस टू डेफिसिट बिलो एवरेज तो ये दोनों सेम होता है ठीक है जो आपका एवरेज से ऊपर का सरप्लस जो है दैट इज दैट शुड भी इक्व टू एवरेज से नीचे का डेफिसिट ऑब्वियसली बात है डेफिसिट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी से पीछे कितने आ, कितना पीछे है और सरप्लस का मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी से ऊपर कितना है तो विल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑन दिस सो लेटर सपोज वी हैव दीज फॉलोइंग क्वानीज वि टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एट ठीक है अब मुझे ये प्रॉपर्टी इसमें प्रूव करनी है कि एवरेज का जितना सरप्लस है दैट इज इक्वल्स टू डेफिसिट ऑफ एवरेज इसका मीनिंग क्या होता है वो सब इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज सो द एवरेज विल बी नथिंग बट समिशन ऑफ ऑल थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस एट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज एट एंड इफ यू फाइंड आउट द एवरेज दिस विल कम आउट टू बी सो इज द एवरेज इन दिस केस नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट ऑल द सप्लस सर का मतलब वी हैव टू कंसिडर ऑल द क्वांटिटीज विच आर एवर सिक्स तो अगर हम सर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमको कौन कौन सी क्वांटिटीज कंसिडर करनी है सिक्स से एवव जो है और जो इक्वल है काइंड kind ऑफ of. तो एक तो सिक्स है सेवन है एट है नाइन है एट है तो अगर हमें सरप्लस निकालना है तो छः से ये वाला छः एवरेज छः से कितना ज़्यादा है ज़ीरो सात जो है वो छः से कितना ज़्यादा है वन आठ जो है वो छः से कितना ज़्यादा है दो नाइन इज हाउ मच मोर देन सिक्स थ्री एट इज हाउ मच मोर देन सिक्स टू

For deficit, we have got two, three, and five. Because why? Because these quantities are less than six. So Char 4. This three is how much less than 6? 3. This 5 is how much less than 6? 1. So we calculate it. This will come out to be 8 again. So what I am what we are observing here is that the surplus is coming out to be equal to the deficit. And this is what this property was actually talking about. कि जो एवरेज ऊपर का जो सॉप्लस होता है दैट दैट हैज टू टू बी इक्वल्स द डेफिसिट वो होता है अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम किस टाइप से अच्छे से यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व ए क्वेश्चन ऑन एवरेजेस आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल इज दैट वी हैव गॉट ए क्वांटिटीज माय पास एक सेट ऑफ क्वांटिटीज हैं 13 17 25 11 ट्वेंटी सिक्स एंड टेन और इसका हमें एवरेज निकालना है ठीक है इसका हमें एवरेज निकालना है इन सेट ऑफ क्वांटिटीज का एक तो मैथड है कि आप क्या करो यू नो यू प्लस ऑल दिस क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड बाई सिक्स बिकॉज देर आर सिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज सो दैट इज वन मैथड ऑफ डूइंग इट नाउ कैन वी यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज इज टू एक्चुअली फाइंड आउट एन एवरेज यस वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी लेट लेटस सी हाउ सो लेट लेटस सपोज सो लेट लेटस सपोज दैट इन द बिगनिंग वी एज्यूम कि एवरेज जो है वो पंद्रह है मान लिया हमने कि एवरेज पंद्रह तो अगर एवरेज इन सारी क्वांटिटीज का पंद्रह है तो इसका मतलब है कि जितना सरप्लस होगा दैट हैज भीक्व टू डेफिसिट राइट इफ द एवरेज इज फिफ्टीन दिस मींस दैट द स प्लस एवो फि शुड भीट ये फिफ्टीन राइट बिकॉज दैट इज दैट इज ए प्रॉपर्टी विच दिस एवरेज हैज सेटिस्फाइ तो ये हमने एज्यूम किया The average is equal to 15. Up the go. But surplus. Kya, uh, kya hoga? Agar if I have to calculate surplus, means I have to take those quantities which are above or equal to 15. 13 is there? No. 17 will take, 25 will take, 26 will take. Now 17 is how much more than 15? It is 2. 25 is how much more than 15? 10. 26 is how much more than 15? 11. So the total surplus comes out to be 23. Right now, if we talk about the deficit.

राइट बट फिफ्टीन एवरेज नहीं है इसका मतलब बिकॉज द सप्लस इज नॉट इक्व टू डेफिसिट तो डेफिस कितना ज्यादा है surplus कितना ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूं कि इज सज्वेल्व मोर राइट सो सप्लस एंड डेफिसिट को इक्वल करना है हमें बट इन दिस केस सर इज ट्वेल्व मोर देन द डेफिसिट विच इज एवन राइट तो अब देखो अगर सर ज्यादा है तो एवरेज फिफ्टीन से प्लस होना चाहिए या फिर माइनस वो होना चाहिए सोचो अगर फिफ्टीन से प्लस होता है एवरेज तो जो सरप्लस होगा वो डिक्रीज होगा और जो डेफिसिट होगा वो इंक्रीज ये होगा अगर मान लो कि मैं फिफ्टीन से आगे जाता हूँ इफ आई गो टू सिक्सटीन लेटर सपोज तो मेरा जो सरप्लस है वो हर जगह एक एक से घटेगा और जो डेफिसिट है वो एक एक से बढ़ेगा सो वट आई एम टेलिंग इज दैट if you increase the average your surplus is going to decrease and deficit is going to increase and this is what we want exactly over here so in this case obviously average is going to be the right hand side of 15 means it has to be greater than 15 but kitna increase but how much it should be more than 15 so this is what can be found out by dunokat difference kitna hit 12 so we have to ट्वेल्व इज द डिफरेंस ट्वेल्व इज द अमाउंट बाय सरप्ल इज ग्रेटर नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है एक दो तीन चार पांच छू बी टू सो द एवरेज विल बी नथिंग बट यू जस्ट एड टू विद्टीन एंड विल्वल टू सेवरेज विल बीवस टू सेवनटीन अब सेवनटीन के साथ सरप्लस और डेफिसिट निकालो बोथ विल कम आउट टू बी द सेम तो कैसे किया हमने फर्स्ट थिंग इज दैट वी एज्यूम्ड सम एवरेज देन वी कैल्कुलेटेड द सप्लस एंड डेफिसिट हमने देखा कौन ज्यादा है सरप्लस ज्यादा है डेफिसिट ज्यादा अगर सरप्लस ज्यादा है सो तो ऑब्वियस बात है कि पंद्रह से ज्यादा होगा फिफ्टीन से ज्यादा होगा एंड इफ डेफिसिट वुड हैव बिन मोर हैव थॉट टैट कि फिफ्टीन से लेस होगा क्यों क्योंकि हमें यू you नो know, इस केस में सरप्लस को बढ़ाना इस केस में सरप्लस को घटाना था और अदर वाले केस में डेफिसिट को बढ़ाना पड़ेगा और uh, डेफिसिट को घटाना पड़ेगा राइट सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि द एवरेज विल बी मोर देन 15 और एवरेज विल बी लेस देन फिफ्टीन if surplus is more than deficit obviously average will be more than 15 that is more than the assumed value and if deficit is more than surplus then average will be less than 15 that is less than the assumed value ठीक है ये पता चल गया प्लस करना है या माइनस करना है जो एज्यूम किया एवरेज को नाउ हाउ मच सो हाउ मच इज नथिंग बट जो डिफरेंस है सरप्लस और डेफिसिट का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है राइट सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज वेरी इजीली इन दिस केस

सो अस सपोज ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ हैं आपके पास इसमें कुछ हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसमें कुछ हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर इसमें कुछ हैं जेड वन जेड टू इसमें कुछ हैं डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू फोर डब्लू फाइव सपोज नाउ ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटिटीज हैं एवरेज जो है ए वन है इसका एवरेज ए टू है एवरेज ऑफ दाइट तो यह एन प्लस ए टू प्लस एस ए फोर नहीं होगा राइट right? एवरेज का सेम डेफिनेशन है एवरेज का डेफिनेशन क्या है कि समिशन करो सारे क्वांटिटीज को डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस x1 x2 x3 का एवरेज अगर a1 है दिस मीन्स वॉट वॉट आई एम टेलिंग इज दैट कि a1 जो है दैट इज नथिंग बट x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री तो अगर मैं बोलूँ तो थ्री ए वन अगर थ्री को उधर लेके चले जाओ तो दैट इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री राइट सिमिलरली यहां पे चार क्वांटिटीज हैं तो फोर ए टू अगर रहेगा तो दैट मीन्स वॉट वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर सिमिलरली यहां पे अगर दो क्वांटिटीज हैं तो टू ए थ्री विल बी इक्वल टू जेड वन प्लस टू राइट तो ये तीन क्वांटिटी मान लो एन वन क्वांटिटी है ये एन टू क्वांटिटी है ये एन थ्री क्वांटिटी है ये एन फोर क्वांटिटी है तो बेसिकली क्या हो रहा है अगर मैं एन वन इंटू ए वन कर रहा हूँ तो दिस मीन्स दैट आई एम समिंग अप ऑल दिस क्वांटिटीज अगर मैं एन टू इंटू ए टू कर रहा हूँ तो दिस मीन्स दैट आई एम समिंग अप ऑल दिस क्वांटिटीज अगर मैं एन थ्री इंटू ए थ्री कर रहा हूँ दिस मींस दैट आई एम समिंग अप ऑल दिस क्वांटिटीज और अगर मैं एन फोर इंटू ए फोर कर रहा हूँ तो दिस मींस दैट आई एम समिंग अप ऑल दिस क्वांटिटीज सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल दिस फोर वट आई नीड टू डू इज दैट आई हैव टू सम ऑल दिस क्वांटिटीज सो कैन आई सेव दैट दिस विल बी इक्वल्स टू व टू फाइंड आउट ओवर ऑल एवरेज तो न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए सबिशन ऑफ ऑल क्वानिटीज दैट विल बीक टू एन वन ए वन प्लस एन टू ए टू सो एन अपू जितने भी होंगे यहां पर तो चार डी लिखे हमने मान लो एन है ए एन ए एन 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 ए एन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वान्टिटीज एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री सो एन अपू एन एन तो ये हमारा ओवरऑल एवरेज वो हो जाएगा दिस इज वॉट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज तो इसको ऐसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ क्वान्टिटीज हैं उनका पूरा का एवरेज निकालना है बट डेफिनेशन ऑफ एवरेज रिमेन्स द सेम इट द अर्थमैटिक मीन दैट इज न्यूमरेटर में टोटल क्वान्टिटीज का सम होना चाहिए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वान्टिटीज वो होना चाहिए एंड दिस दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स योर डेफिनेशन ऑफ वेटेड एवरेज ओवरऑल एवरेज को अपन वेटेड एवरेज भी बोल देते हैं

थ में ट्वेंटी फाइव है टेंथ में ट्वेंटी है एलेवेंथ में ट्वेंटी ट्वेल्थ uh, में थर्टी है सो आर ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अच्छा अब इन सब का एवरेज एज जो है एवरेज इन सारे स्टूडेंट्स का जैसे एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज एज जो है वो पंद्रह है इनका सोलह है इनका सत्रह है इनका अठारह है इनका उन्नीस है लेट अस सपोज ये एवरेज एजेस है मतलब बेसिकली हमारे पास क्या है कि बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एट्थ क्लास है ये नाइन्थ क्लास है ये टेंथ है ये अलेवेंथ है और ट्वेल्थ है इसके अंदर में बीस बच्चे हैं इसके अंदर में पच्चीस हैं इसके अंदर में बीस हैं इसके अंदर में अगेन ट्वेंटी फाइव इसके अंदर में अगेन थर्टी एंड द एवरेज इज गिवन टू अस एज फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन एंड नाइनटीन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द इंटायर ऑल द क्लासेस तो एवरेज ओवरऑल एवरेज अगर मैं बात करूं और यू कैन से इट टू बी वेटेड एवरेज सो न्यूमिनेटर में सम्मीशन ऑफ ऑल द एजेस वो होना चाहिए सम्मिशन ऑफ ऑल द एजेस अच्छा सम्मीशन ऑफ ऑल द एजेस कैसे होगा इफ वी डू दिस इज एन वन इन टू ए वन क्योंकि ये A1 कैसे निकला होगा ये पंद्रह जो एज है ये 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 कैसे निकला होगा ये पंद्रह निकला होगा जब आपने इस एट क्लास के सारे बच्चों के एजेस को सममिशन किया होगा डिवाइड बाय ट्वेंटी किया होगा क्योंकि ट्वेंटी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अगर मैं फिफ्टी इंटू ट्वेंटी कर रहा हूं दिस मींस दैट आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस दिस पर्टिकुलर स्टफ सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग तो इफ आई डिस्टिंग फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी दिस मींस दैट आई एम कैलकुलेटिंग द सममिशन ऑफ एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ओवर द सो ओवरऑल एवरेज विल बीक टू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी सिमिलरली यहां के लिए प्लस सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी प्लस इसको नीचे लिख देता हूँ एटीन इंटू ट्वेंटी प्लस नाइनटीन इंटू थर्टी राइट डिवाइडेड बाय कंप्लीट डिवाइड बाई दिस दिस इज नॉट डिविजन गाइज राइट एटीन इंटू ट्वेंटी फाइव

नाउ द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेटेड एवरेज होता क्या है और हमेशा इसको बॉक्सेस के टर्म्स में कंसेप्ट में आप समझो बिकॉज दिस थिंग रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड इट प्रिटी वेल तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस एवरेज विच इज विच इज रियली गेल्प यू यू नो सॉल्व सम प्रॉब्लम्स तो एक बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं जो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल रहेगा इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजिज दैट वी हैव एक्चुअली रेड पहले की प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है कंसेप्ट uh, यह है कि इफ एवरेज इज ऑफ एन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली एवरेज एवरेजेज ऑफ एन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज एक्स एक्सियस मीन्स अभी जो है जो एवरेजेज है फैमिली का जो मेंबर्स है फैमिली में वो एक्स एक्सीयर्स है देन के ईयर्स बैक द एवरेजेज एवरेज इज विल बी वुड हैव इन एक्स माइनस के ठीक है क्यों जैसे मान लीजिए कि अभी यू नो यू हैव गोट ए फैमिली एंड फैमिली में यू नो यू हैज एज इज पी हर एज इज क्यू हिज एज इज आर लेट एस सपोज तो अभी का जो एवरेज इज है राइट नाउ द एवरेज इज इज एक्स मतलब कि एक्स इज वॉट पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई थ्री नाउ इफ आई गो केस बैक सो इफ आई एम गोइंग के एज वुड है एंड आर माइनस के और इसका अगर आप एवरेज निकालो सो वट डज इट कम आउट पी माइनस के प्लस क्यू माइनस के प्लस आर माइनस के डिवाइड बाई थ्री राइट एंड वॉट इज इट लाइक कैन आई से इट इज नथिंग बट पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस थ्री के डिवाइड बाई थ्री और ये क्या है दिस इज पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई थ्री माइनस के एंड वॉट इज दिस थिंग This thing is x. So, this is x, minus k right so what do we learn from here is that ki agar abhi koi family अगर अभी कोई ka है उनके members का averages, अगर x का तो अगर आप k year पीछे जाओगे तो उनका जो average हो एज ये होगा वुड x एक्स माइनस के बिकॉज वॉट are डूइंग इज दैट यू आर सब्सट्रैक्टिंग ए कॉन्स्टेंट quantity फ्रॉम ऑल द नंबर्स विच आर देयर जैसे देखो यहाँ पी माइनस के क्यू माइनस के आर माइनस के so we have read from the properties of averages that if you subtract a constant quantity from all the numbers all the quantities which are available over there then the average is also reduced by that quantity right so this is this is why the averages will, will become x minus k now let us take an example over here that let us suppose there is a family which has four members whose a's right now are 20 24 26 and 30 what is their average is and th this is the first part of the question. The second part of the question, their average is 2 years back. So these are the two parts of the question which are there. So if I have to find out the first part of the question, the average will be nothing but 20 plus 24 plus 26 plus 30 divided by 4. That comes out to be.

of n members of a family is x years then k years after like k years after their average is will be x plus k why because we are going to add this k quantity to all the ages of all the members right so if you add a particular constant quantity to all the quantities present over here obviously your average will be x plus k right so it's just the same thing right you were going ks back and now you're going ks ahead so these the two properties we should you know these two things actually you should remember but guys this na, a क्लॉज है विच यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि अगर आप दो साल पहले जाड़ो या दो साल बाद जाड़ो इफर गोइंग टू ईयर्स बैक और टू ईयर्स अ हेड यू नीड टू मेक श्योर दैट नोवन डाइज और टेक्स बर्थ इन दिस पीरियड राइट दिस इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो नो वन शुड यू नो यू नो डाई टेक बर्थ इन दिस पीरियड बिकॉज इफ समबडी डाइज देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सटेंड हिज एज जैसे मैं बोलता हूँ चार साल के बाद चार साल के बाद बताओ तो तुम बोलते हो एक्स प्लस फोर हो जाएगा सर बट मान लो दो साल के बाद ही एक बंद यू नो एक बंदा you know, एक्सपायर एक एक हो गया डाइज सो हाउ आर यू एडिंग फोर ईयर्स टू हिज एज इज जस्ट एक्सपायर्ड आफ्टर टू ईयर्स सिमिलरली अगर चार साल के बाद तुमसे एज पूछा किसी ने बट दो साल के बाद एक बच्चे का जन्म हो गया यू नो ए बेबी टुक बर्थ बट नाउ यू हैव टू कंसिडर दैट बेबीज एज एज वेल वाइल यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज एज ऑफ दैट फैमिली राइट सो इन दिस केस वी हैव टू मेक श्योर दैट नोबडी इज बॉर्न और यू नो डाइज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड द क्वेश्चन इज फोर मंथ्स बैक द एवरेजिज ऑफ अ फैमिली वॉज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स वॉट विल बी द एवरेजेज एट मंथ्स फ्रॉम प्रेजेंट एट मंथ्स फ्रॉम प्रेजेंट मतलब आज से चार महीने पहले फैमिली का जो एवरेजेस था डेट वाज ट्वेंटी सिक्स इयर्स तो आज से आठ महीने बाद कितना हुँ? उनका एवरेजेस क्या होगा तो बेसिकली व टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेटस सपोज की अभी प्रेजेंट में देर एवरेजेस इज एक्स अच्छा फोर एक्स इन मान के चलो इसको फोर मंथ्स बैक अगर मैं बोलू तो उनका एवरेजेस क्या होना चाहिए एक्स माइनस फोर बाय ट्वेल्व सी वाई आई एम डिवाइडिंग इट बाई टू कन्वर्ट फोर मंथ इन टू ईयर्स राइट सो एवरेज इज फोर मंथस बैक शुड बी x minus 4 by 12 that is nothing but x minus 1 by 3 years right Achha, 8 months from present what should be the average is it should be x plus 8 by 12 that is nothing but x plus 2 by 3 right so this is what we have to find out now we have been given हमे, हमे x minus 1 by 3 is what 26 years right x minus 1 by 3 is 20 x minus 1 by 3 is 26 years Right, guys. So if we have got x minus one by three is 26 years, can I calculate x is equals to 26 plus one by three, and that will come out to be 79 by three years. So this is the average is four months before. So what will be the average is eight months before? That is x plus two by three, and x ka value we have already find out 79 by three plus two by three. So that will be equals to 81 by three. And that will come out to be 27 years. Right, guys? So that will come out to be 27 years. So see, this is the usefulness of you know drawing a particular thing like this. This will make you visualize as well. And once you become comfortable, though, you you don't even need to do this much of calculation. Right? You can easily solve this question very well. अच्छा अब इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें ना क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि कोई बॉर्न हुआ या मरा यू नो समबडी डाइड और समबड़ी टुक बर्थ राइट सो वी हैव टू एज्यूम दैट नोबडी टुक बर्थ एंड नोबडी डाइड सो सो और एंटिल स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड इनसाइड साइड द ऑप्शन और इनसाइड साइड द क्वेश्चन वी हैव टू एज्यूम दैट यू नो नो बडी टुक बर्थ और नो बडी डाइट